हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साईं बाबा इन्फोटेक चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ईच और एवरी, यानी कि आज हम ईच और एवरी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ईच का मतलब होता है हर एक, एक एक और एक भी ना बचे। अब इन तीनों का मीनिंग पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, हर एक का मतलब क्या होता है, हर एक मतलब कि कोई भी व्यक्ति ना बचे। आप एक एक को चुन चुन के आप एक एक की बात कर रहे हो, ठीक है। एक एक का मतलब भी वही होता है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने और अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया है कि एक भी ना बचे। यानी कि ईच का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, अगर ईच किसी सेंटेंस में लगा हो तो आप ये समझ जाना कि वहाँ पे व्यक्ति कोई भी नहीं बचा, ठीक है। या फिर आप उसको अगर इस तरीके से समझना चाहो कि ईच का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें एक एक इंडिविजुअली एक एक को हमें टारगेट करना हो। इन ईच अटेंशन इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअली और सेपरेटली और वन बाय वन। क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स हमारा डेफिनेशन? डेफिनेशन ये कहना चाह रहा है कि जो ईच होता है वो इंडिविजुअली, इंडिविजुअली का मतलब होता है अकेले, है ना। सेपरेटली का मतलब भी वही होता है, अकेले या अलग से। यहाँ पे झुंड की बात नहीं चल रही, यहाँ पे अकेले, सेपरेट या फिर इंडिविजुअली, इंडिविजुअली एक एक करके की बात चल रही है ना। तो आपको यहाँ पे दो बातें सीखनी है, एक तो ये कि ईच का इस्तेमाल होता है वहाँ पर जहाँ पर हम एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ते, एक भी व्यक्ति नहीं बचता, अगर वो थोड़े ज़्यादा व्यक्ति हैं तो। या फिर अगर आप एक एक को देखो या आप हर एक को देखो तो भी आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि ईच का इस्तेमाल हमें कहाँ करना होगा, जहाँ पे हम एक एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हों, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और होता है आपका एवरी। एवरी का मतलब होता है हर कोई, ठीक है। और ऑब्लिक करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कुछ के अलावा। गाइस, कुछ कुछ के अलावा का मतलब ये होता है कि एवरी जो होता है वो हर व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकता, कुछ लोग छूट जाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको भी ईच के बारे में बताया था कि ईच में एक भी नहीं बचता। अगर सेंटेंस में ईच लिख रहा है और वो किसी समूह के बारे में भी बात कर रहा है, दो लोगों के बारे में बात कर रहा है, दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है, तो उसमें एक भी व्यक्ति नहीं बच रहा। ये ईच का काम होता है। और एवरी का मतलब वैसे होता है हर कोई, है ना, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है। यानी कि हम इसमें ये नहीं कह सकते कि आपकी बात एक एक तक पहुँची है। इन एवरी, एवरी में अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द ग्रुप और कलेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ईच में मैंने आपको बताया था कि ईच में जो अटेंशन होती है वो कहाँ दी जाती है, इंडिविजुअली या फिर सेपरेटली। लेकिन एवरी में जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो फोकस कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स, ग्रुप पर या फिर किसी झुंड पर या कलेक्शन पर। एवरी का यूज़ वहाँ भी होता है जहाँ कुछ लोगों को छोड़ के बात चल रही हो। यानी कि फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी हाल ही बताया था कि एवरी का मतलब ये भी होता है कि कुछ लोगों को छोड़ के, है ना, हर एक को नहीं। जैसे एक एक को, वो जो मैंने आपको बोला था ना कि ईच में आप चुन चुन के कह सकते हो कि हमने चुन चुन के एक एक को सबको बताया है, एवरी में ऐसा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। आई टोल्ड ईच गर्ल टू कम, आई टोल्ड एवरी गर्ल टू कम। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, कोई भी ग्रामेटिकली इसमें मिस्टेक नहीं है, दोनों अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन मैंने हर एक लड़की को आने कहा, मैंने हर लड़की को आने कहा, ठीक है। अब आप फ्रेंड्स खुद ही देख लीजिए भाषा की जो परिपाटी है यहाँ पर, यहाँ पर मैंने हर एक लिखा और यहाँ मैंने केवल हर लिखा है, है ना। यानी कि पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि आई टोल्ड ईच गर्ल टू कम, मैंने हर एक लड़की को आने के लिए कहा। यानी कि गाइस, कोई भी लड़की ऐसी नहीं बची जिसे मैंने आने के लिए ना कहा हो, ठीक है। आई टोल्ड एवरी गर्ल टू कम, मैंने हर लड़की को आने कहा। हो सकता है गाइस कुछ लड़कियां बच गई हों जिन्हें मैं नहीं बता पाई हूँ, ठीक है। तो हिंदी में जैसे आप अपनी बात को क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं हर एक से और इस तरीके के वर्ड से, वैसे ही गाइस आप लोग इंग्लिश में भी इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करके अपनी बात को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं। ईच बुक इज़ इंटरेस्टिंग, एवरी बुक इज़ इंटरेस्टिंग। गाइस, दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन डिफरेंस देखिए, हर एक किताब दिलचस्प है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, हर किताब कैसी इंटरेस्टिंग, एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना आया हो। एवरी बुक इज़ इंटरेस्टिंग, हर किताब दिलचस्प है। अब एवरी लग गया है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी किताबें मैं पढ़ूंगी वो सब इंटरेस्टिंग ही हों। हो सकता है कुछ किताबें ऐसी हों कि दो पेज पढ़ते ही मुझे नींद आने लगे, कुछ किताब ऐसी हो कि पढ़ते ही मुझे और मन लगने लगे। सो फ्रेंड्स, एवरी मुझे ये बता रहा है कि कुछ किताबें ऐसी हो सकती हैं जो इंटरेस्टिंग ना हो, मतलब सभी किताबों के बारे में वो बात नहीं कर रहा। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, ये एक एक चुन चुन के हर एक किताब के बारे में कह रहे हैं कि जितनी भी किताबें दुनिया में हैं वो सब कैसी की कैसी हैं, आपकी दिलचस्प है। Each child has mobile, every child has mobile। Guys, दोनों सेंटेंस अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, कोई ग्रामेटिकली गलती इसमें नहीं है। देखिए, each child has mobile, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है।
एवरी चाइल्ड हैज मोबाइल, हर बच्चे के पास मोबाइल है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने ईच बोल दिया यानी कि भारत में, दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने भी बच्चे हैं फ्रेंड्स, हर एक के पास मोबाइल होगा, ईच ने ये बोला है, ठीक है। और एवरी का मतलब क्या है फ्रेंड्स? हाँ ठीक है, कुछ बच्चों के पास होगा, कुछ अपने जैसे होंगे, जैसे अपने पास बचपन में नहीं था फ़ोन, वैसे ही उनके पास भी नहीं होगा फ़ोन, उनके भी मम्मी पापा कह रहे होंगे कि पास हो जाओ फिर दिलाएंगे फ़ोन, है ना। तो ये बस ये डिफरेंस होता है। अब देखिए इसी तरीके से गाइज होता है ईच वन और एवरी वन, ठीक है। अब मैंने दोनों के आगे वन वन लगा दिया, आपने काफ़ी बार इनको देखा है, सुना है, पढ़ा है, देख लो क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, अगर इनके आगे वन लग जाता है तो उनका मीनिंग हो जाता है हर कोई, ठीक है। ईच वन का मतलब भी होता है फ्रेंड्स हर कोई, और एवरी वन का मतलब भी होता है फ्रेंड्स हर कोई, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ ईच वन नोज हाउ टू यूज़ मोबाइल, एवरी वन नोज हाउ टू यूज़ मोबाइल, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, ईच वन और एवरीवन दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है, 1% की गलती नहीं है। देखो ईच वन और एवरीवन, ईच वन का हिंदी में मतलब क्या होता है? हर कोई, यानी कि ये क्या लिखा है, हर कोई। हर कोई नोज हाउ टू यूज़ मोबाइल, हर कोई जानता है कि मोबाइल कैसे यूज़ करते हैं। एवरीवन नोज हाउ टू यूज़ मोबाइल, हर कोई जानता है कि मोबाइल कैसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स वही बात सामने फिर आ गई कि जहाँ पे ईच आ जाएगा वहाँ पे चुन चुन के पकड़ने वाली बात है कि भैया जितने भी दुनिया में लोग हैं, ब्रह्मांड में लोग हैं, हर कोई जानता है मोबाइल कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड जब एवरी शब्द आ जाएगा तो वही वाली बात हो जाएगी कि ठीक है मुझे तो नहीं आता फ़ोन यूज़ करना, हाँ तुम्हें आता होगा, मुझे नहीं आता फ़ोन यूज़ करना। यानी कि फ्रेंड्स एवरी वन का यूज़ वहाँ हो रहा है जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है छूट जाएँ, ठीक है। देखो अब मैंने ईच और एवरी के साथ में मैंने फ्रेंड्स बडी लगा दिया है ना, एवरी बडी और ईच बडी, ये भी आपने काफ़ी बार पढ़ा सुना देखा है। देखो अब ईच बडी और एवरी बडी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हर इंसान, हर कोई इंसान, है ना। ईच बडी इज फॉलोइंग लॉकडाउन, यानी कि फ्रेंड्स हर कोई, हर इंसान लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है ना, जो भी नियम वियम है उसके, वो घर में रहो, ये सब वो सब फॉलो कर रहा है। इधर देखो फ्रेंड्स, एवरी बडी इज फॉलोइंग लॉकडाउन, यानी कि फ्रेंड्स वही बात है कि हर इंसान क्या कर रहा है, लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है। अब फ्रेंड्स देखो, जब ईच आ जाएगा ना और एवरी आ जाएगा तो बस आपको, आप बस इसमें आपको समझ जाना है, ईच वहाँ लगेगा फ्रेंड्स जहाँ पे चुन चुन के बात हो रही है कि भैया जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, हर इंसान लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है। और जहाँ पे फ्रेंड्स एवरी की बात आ जाएगी तो भी आप बिल्कुल समझ जाना कि हो सकता है कि कुछ ऐसे बेवकूफ़ से लोग हों जो लॉकडाउन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा, भैया हम तो कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे होंगे, है ना। तो यानी कि एवरीबॉडी में कुछ लोग छूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्यारा सा टॉपिक ईच एंड एवरी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।